पिछले पीरियड में चैप्टर 11 आपका रीड किया था ऑन व्हिच पेज नंबर पेज नंबर 57 एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर अलीस लॉस्ट कैट। हम लोग स्टोरी रीड कर चुके हैं तो नाउ टुडे इज टर्न ऑफ एक्सरसाइज। आज हम लोग लेक्सराइज सॉल्व करेंगे, आपके कोर्स बुक के लेक्सराइज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं हमारी लेक्सराइज नंबर फर्स्ट पर और लेक्सराइज फर्स्ट हमारी बेस्ड है लुकिंग एट द पिक्चर। लुकिंग एट द पिक्चर चैप्टर की ड्रॉइंग्स को ध्यान से देखिए, पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन रीड करके उनके आंसर को बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज अली लुकिंग फॉर इन पिक्चर 1, 2 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग पहले करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में पेज नंबर 61 पर। लेट्स ट्राई वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए आप क्या लिखा है, हु इज सैंडी लिखा है ना, सैंडी को पढ़ करके यहाँ अली करिए। क्वेश्चन है कि अली किसको देख रहा है, किसको खोज रहा है और इसमें अली की जगह पर सैंडी लिखा है तो आप सैंडी कट करके और यहाँ अली कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हु इज अली लुकिंग फॉर इन पिक्चर 1, 2 एंड 3। पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3 में अली किसे खोज रहा है, किसके लिए देख रहा है, ये क्वेश्चन है। लुक एट द बोर्ड, आंसर नंबर 1 अली लुकिंग फॉर सैंडी। अली किसे खोज रहा है, सैंडी को खोज रहा है। अली लुकिंग फॉर सैंडी इन पिक्चर 1, 2 एंड 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्रैंडपा होल्डिंग अ लैडर, व्हाई इज ग्रैंडपा होल्डिंग अ लैडर इन पिक्चर 5। पिक्चर 5 में ग्रैंडपा लैडर क्यों नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंडपा इज होल्डिंग अ लैडर। वंस अगेन, ग्रैंडपा इज होल्डिंग अ लैडर इन पिक्चर 5। सॉरी, ये आंसर थोड़ा गलत है भाई, करेक्ट करते हैं। Grandpa is holding a ladder. इसके बाद होगा क्या होगा, To bring down the cat from the branch of tree. To bring down the cat from the branch of tree. ठीक है, आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन एक बार से फिर से देख लीजिए, व्हाई इज ग्रैंडपा होल्डिंग अ लैडर इन पिक्चर 5। पिक्चर 5 में ग्रैंडपा लैडर क्यों लिए हुए हैं, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ग्रैंडपा इज होल्डिंग अ लैडर टू ब्रिंग डाउन द कैट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इमेज इन पिक्चर 7। डिस्क्राइब द इमेज इन पिक्चर 7, पिक्चर 7 की इमेज को आपको डिस्क्राइब करना है। ये है ना पिक्चर 7 की इमेज, ये है, अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो लोग क्या लिखेंगे, ग्रैंड आंसर आप देखिए, ग्रैंडपा ब्रॉट द कैट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड गेव टू अली। ग्रैंडपा कैट को नीचे ले आए और उन्होंने उसको अली को दे दिया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं हमारी लेट्स ट्राई टू पर। हमारी लेट्स ट्राई टू बेस्ड है थिंकिंग अबाउट द स्टोरी। स्टोरी को आपने रीड किया है, उसको माइंड में रख के और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर को देना है, यानी कि स्टोरी को सोचना है और आंसर पुट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और क्या है, राइट आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर नोटबुक। इसको आपको अपने नोटबुक पर लिखना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हेल्प अली फाइंड सैंडी, हु हेल्प अली टू फाइंड सैंडी। अली की किसने मदद की सैंडी को खोजने में। हमारा फर्स्ट आंसर क्या हुआ, ग्रैंडपा हेल्प अली टू फाइंड
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज ग्रैंडपा यूज टू क्लाइंब द ट्री। कैट तो ट्री पर थी तो ग्रैंडपा ने क्या यूज किया था कैट को नीचे लाने के लिए। गुड, आपने सही आंसर दिया, लैडर यूज किया था। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ग्रैंडपा यूज अ लैडर। वंस अगेन, ग्रैंडपा यूज अ लैडर टू क्लाइंब द ट्री। ग्रैंडपा ने लैडर यूज किया किस चीज के लिए, ट्री पर चढ़ने के लिए, ताकि वो कैट को नीचे ला सके। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज अली से टू ग्रैंडपा व्हेन ही ब्रिंग्स सैंडी डाउन। अली ने ग्रैंडपा से क्या कहा जब वो सैंडी को नीचे ले आए। आप सबको याद है उसने ग्रैंडपा को थैंक यू कहा। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, अली से थैंक यू ग्रैंडपा। अली ने क्या बोला था, थैंक यू ग्रैंडपा आई लव यू। थैंक यू ग्रैंडपा आई लव यू। व्हेन हिज ग्रैंडपा ब्रॉट सैंडी डाउन, जब व्हेन हिज ग्रैंडपा, जब उसके ग्रैंडपा ब्रॉट सैंडी डाउन, सैंडी को नीचे ले आए, तब अली क्या बोला, थैंक यू ग्रैंडपा आई लव यू। बोला ना अपने स्टोरी में पढ़ा था। ये रहा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है फोनिक्स पर। फोनिक्स में क्या आप पढ़ते हैं, तरह तरह के साउंड्स, मतलब लेटर लिखे जो जाते हैं उनके मोर देन वन साउंड्स ही हम लोग अभी तक फोनिक्स में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यू ई साउंड और ई डब्ल्यू साउंड। क्या पढ़ेंगे फोनिक्स में, यू ई साउंड एंड ई डब्ल्यू साउंड। लुक एट द बोर्ड, कम ऑन। फोनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यू ई साउंड। ध्यान से देखिए, हम दो बॉक्स आपको बना के दिखा रहे हैं, ये यू ई का बॉक्स है और ये ई डब्ल्यू का बॉक्स है। प्रोनाउंसिएशन क्लास क्लियर करिएगा। यू ई में जैसे आपका आ गया क्लू, क्या पढ़ा हमने, क्लू। नेक्स्ट ई डब्ल्यू में देखिए च्यू, च्यू करना ना बोलते हैं, च्यू करके खाइए, च्यू योर फूड वेल, है ना, तो च्यू। और ये क्या है, क्लू, हल्का सा, हल्का सा डिफरेंस है, क्लू च्यू, क्लू च्यू। ई का भी साउंड ले करके ऊ आ रहा है और इसमें डायरेक्ट ऊ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, आपको कलर्स पता है, रेनबो के कलर्स पता है, तो रेनबो के कलर्स में आपने एक कलर पढ़ा था ब्लू, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ब्लू, ब्लू बोला। लेकिन अब इसमें देखिएगा साउंड एकदम मिलता जुलता है, ब्लू, हवा चलती है तो कहते हैं ना ब्लू कर रही है, हवा चल रही है, ठीक है। तो ये आया ब्लू और ये है ब्लू, हल्का सा अंतर है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, और स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड लगभग मिलता जुलता है। इसी तरह से अगर हम पढ़ने तो आप ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज में सॉल्व करते हो, क्या होता है, ट्रू की स्पेलिंग ये है, ठीक है, देन फ्लू, और फ्लू मतलब उड़ गया ना, द बर्ड फ्लू फ्रॉम हियर, बर्ड यहां से उड़ गई, और ट्रू मतलब सच, जो सही आप ट्रू करते हो, जो गलत हो उसको आप फॉल्स करते हो, ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज करते हो। इसी तरह से इन वर्ड्स को आप अच्छे से रीड करिएगा, आपका फोनिक्स में ये है। देन लेट्स ट्राई 3 में, अब हम लोग मेन एक्सरसाइज पर आते हैं, वर्ड्स को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम लोग मेन एक्सरसाइज पर आते हैं, हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है फिल द ब्लैंक्स के लिए। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, जो वर्ड करेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ए नंबर में हम लोग क्या करेंगे, यूज ब्लैंक टू स्टिक द पिक्चर, पिक्चर को चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए आप ग्लू यूज करोगे कि ब्लू यूज करोगे, ग्लू यूज करोगे। ए में क्या होगा, ग्लू। बी आप रीड करिए सेंटेंस, द बर्ड ब्लैंक फ्लू की ब्लू इन टू द रूम,
क्या होगा? देखो अभी हमने बताया था ना आपको, सी नंबर पर आइए, एट सनसेट द स्काई हैज अ रेडिश प्लेन ड्यू कि ह्यू ह्यू है ना, सी नंबर पर क्या होगा ह्यू। देन डी नंबर पेस्ट करते हैं हम लोग, डी नंबर पर क्या होगा भाई, आई लाइक टू रीड ब्लैंक स्टोरीज ट्रू कि ट्रू, इसमें होगा ट्रू। देन ई नंबर की बारी आती है, आई प्लान अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑन द कार्ड, ब्लू होगा कि ब्लू होगा, कार्ड पर आपने सुंदर फूल बनाया तो क्या लिखेंगे, ब्लू कि ट्रू, ब्लू होगा ना, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म। एफ नंबर पर आते हैं, ही प्लान क्यू या न्यू दैट ही वॉज लेट, न्यू नो का सेकेंड फॉर्म, न्यू वह जानता था कि मैं लेट हो जाऊंगा। अब जी नंबर की बारी, द प्लेन गॉट डिलेड, द प्लेन गॉट डिलेड ब्लैंक ड्यू कि ड्यू टू फॉर, प्लेन लेट हो गई, प्लेन लेट हो गई ड्यू टू फॉग, फॉग से तो क्या होगा ड्यू होगा ना कि ह्यू, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे ड्यू। एच नंबर पर आइए, ब्लैंक इज माई फेवरेट कलर, ब्लू तो कलर होगा नहीं तो क्या हो गया आपका ब्लू। आई नंबर, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लैंक अवे द ड्राई, अवे द ड्राइनेस, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लू करती है कि ब्लू करती है, सूखी पत्तियों को उड़ा ले जाती है तो उसको क्या लिखेंगे ब्लू ना कि ब्लू, तो यहां क्या हो जाएगा ब्लू, ठीक है। देन इट्स द चांस ऑफ जे नंबर, जे नंबर प्लैंग योर फूड प्रॉपरली, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपको फूड च्यू करके खाना चाहिए खाने ना, तो क्या हो गया च्यू योर फूड प्रॉपरली ना कि न्यू च्यू, ओके क्या हो गया च्यू। तो ये रही आपकी लेट्स ट्राई थ्री, एंड नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इतना वर्क सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए और कॉपी वर्क करके हमें ग्रुप पर सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।